हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। मैं हूं आपका भाई आशीष और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल आशीष टेक गुरुजी यूट्यूब चैनल। गाइस, आप थंबनेल देखकर तो समझ गए होंगे कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। तो गाइस, पिछली वीडियो में मैंने आपको एक बैटरी चार्जर का सर्किट बनाना सिखाया था और इस वीडियो में मैं आपको इसका कम्प्लीट ये बैटरी चार्जर बनाना सिखाऊंगा। गाइस, इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप करे ज़रूर वॉच करिएगा फ्रेंड्स, वरना आप द डिटेल्स आप मिस कर दोगे जिससे आपको इस बैटरी चार्जर को बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर वॉच करिएगा। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही चीप प्राइस में बन जाएगा फ्रेंड्स, आपका बहुत ही कम खर्चे में। फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ फ्री में मिल सकती है, वो है आशीष टेक गुरु जी यूट्यूब चैनल का सब्सक्रिप्शन। तो फ्रेंड्स, उसे लेने के लिए नीचे दिख रहे लाल कलर के बटन को जल्दी से दबा दीजिए और बेल के आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप उसे सबसे पहले देख सकें। फ्रेंड्स, आपको इसके लिए कोई भी पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, ये एकदम फ्री है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि पिछली वीडियो में जिन भाई ने सबसे अच्छा कमेंट करा था उनका नाम मैं लेने वाला हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर उनका कमेंट भी है। तो गाइज, इनका नाम है सुनील फंडे। तो इन्होंने कमेंट करा है कि प्लीज़ भाई एक 6 वोल्ट का ऑटो कट ऑफ सर्किट बनाइए। तो ठीक है भाई, मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा 6 वोल्ट का ऑटो कट ऑफ सर्किट बनाऊंगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपका कमेंट पढ़ूं और अपनी वीडियो में उसे ऐड करूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को फुल वॉच करने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो एक छोटे से इंट्रो के बाद। चलिए अब हम इसमें अपने पार्ट्स को असेंबल कर देते हैं। आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे हमने सारे कंपोनेंट्स असेंबल कर दिए हैं, आप देख सकते हो बैक साइड से भी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, जो हमारी एलईडी का होल रह गया है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम अपने सर्किट को कनेक्ट करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये सर्किट है फ्रेंड्स, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन करा था और इसकी वर्किंग और सर्किट डायग्राम भी दिया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा फ्रेंड्स, जिससे आप इस सर्किट को बना सकें। तो ये ऑटो कट ऑफ सर्किट है जो हम इस बैटरी चार्जर के लिए यूज़ करेंगे। तो इसमें हमें 14 वोल्ट पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। तो 14 वोल्ट पावर सप्लाई कैसे बनाते हैं वो भी मैंने आपको उस वीडियो में बताया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा और आपको यहाँ पर आई बटन में भी शो करा दूँगा। तो आप वहाँ से भी उस वीडियो को देख कर इस सर्किट को बनाना सीख सकते हैं। तो ये जो आप यहाँ पे फ्रेंड्स एलईडी देख रहे हैं, आप हमारी आरजी एलईडी है फ्रेंड्स, यानी कि यहाँ पे रेड और ग्रीन दोनों एलईडी इनबिल्ट है एक ही एलईडी के अंदर। तो इसे हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। तो उसके पहले हम यहाँ से इसे कट कर लेंगे और इसके बीच में हम थोड़े से लंबे वायर्स कनेक्ट करेंगे ताकि हम इसे यहाँ पर कनेक्ट कर सकें। तो इसे हम एंड में कनेक्ट कर देंगे फ्रेंड्स। तो चलिए गाइस, इसे अब हम साइड में कर देते हैं और अपने बैक पैनल में हम इस 220 वोल्ट एसी पावर कनेक्टर को कनेक्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं मेंस लीड डायरेक्ट नहीं लगा रहा हूँ, आप चाहे तो यहाँ पे डायरेक्टली मेन लीड का भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर सॉकेट का यूज़ कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ताकि ये और भी ज़्यादा गुड लुकिंग दिख सके। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे हम बैक पैनल में मार्किंग करके सेट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं अपना बैक पैनल का पीस ले रहा हूँ और यहाँ पर हम इसे इस तरह से होल करके यहाँ पर इसे सेट कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर हम इसे कनेक्ट कर देते हैं, उससे पहले हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। तो चलिए अब हम इसे साइड में कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इसकी मार्किंग कर लेंगे।
तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसकी मार्किंग इस तरह से इसमें कर दी है। तो अब हम इसे यहाँ से कट कर लेंगे, उसके बाद हम इसे यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे। तो चलिए गाइज अब हम यहाँ पे इसे कट कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, तो गाइज आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसे भी कटिंग करके इसे ग्रीन कलर के पेपर से कवर कर दिया है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, फ्रेंड्स मैं आपके लिए इसी से वीडियो बनाता हूँ, यानी कि आपके लिए मैं दिल से वीडियो बनाता हूँ, तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर इस जैक को कनेक्ट कर देते हैं। तो ये रहा हमारा 220 वोल्ट मेंस का जैक, इसे हम इस तरह से ही लगा देंगे। स्क्रू के लिए होल कर देंगे, तो स्क्रू तो आप देख सकते हैं मैं इससे होल कर देता हूँ। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दो होल कर दिए हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने होल पहले ही कर लिए थे, मैंने सिर्फ पेपर से इसे कवर करने बाद होल नहीं निकाले थे। तो अब हम यहाँ पर दो बोल्ट की मदद से इसे टाइट कर देंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पे, तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे हमने इस जैक को कनेक्ट कर दिया है नट और बोल्ट की मदद से, आप सभी देख सकते हो देता हूँ। तो उसके लिए हम अपने बाकी के पीसेस ले लेंगे MDF बोर्ड के। तो इसे हम इस तरह से इसमें सेट कर देंगे, और इसे चिपकाने के लिए मैं यहाँ पर साथ में यूज़ कर रहा हूँ इस तरह के वुड पीसेस का। तो इसे हम सपोर्ट देने के लिए इसे यूज़ करेंगे, ताकि जब हम इसे बना दें तो ये जल्दी से ख़राब ना हो। वुड पीस देख रहे हैं, इसे हम यहाँ पर इस तरह से लगा देंगे सपोर्ट के लिए। तो चलिए अब हम इसका बॉक्स बना लेते हैं, उसके बाद मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो गाइज आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इस बॉक्स को हाफ कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर वुड के पीसेस का यूज़ करके इसे सपोर्ट दिया है, और इसे हमने इस तरह से कंप्लीट कर लिया है, जैसा कि आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हमारा मेंस 220 वोल्ट एसी का सॉकेट है, और ये हमारा बॉडी का कुछ इस तरह से इंटरफेस बन चुका है। तो मैंने आपको सर्किट में बताया था कि हम इसकी LED के वायर्स को लंबा कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 3 वायर्स कनेक्ट कर दिए, और LED को मैंने थोड़ा सा जम्पर कर दिया है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने LED पे थोड़ी सी टेपिंग कर दी है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा जो होल है वो थोड़ा सा लूज हो रहा था। तो चलिए अब हम इस LED को यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। तो इसे हम यहाँ पे लगा देते हैं, तो ये हमारी इंडिकेशन करेगी फ्रेंड्स, ये हमारी चार्जिंग की इंडिकेटर है, और ये हमारी मेंस 220 वोल्ट की इंडिकेटर है। तो चलिए अब हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं, और ये जो हमारा AV सॉकेट है फ्रेंड्स, इसकी हम दोनों पिंस को एक साथ शॉर्ट कर देंगे, और इसकी भी हम पिंस को शॉर्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सॉकेट को कनेक्ट कर दिया है दोनों को। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मेंस LED की कनेक्शंस कर देते हैं। तो इसकी एक लेग को हम स्विच के साथ कनेक्ट करेंगे एक रेजिस्टेंस के थ्रू, और दूसरी लेग को हम डायरेक्ट अपने 220 वोल्ट AC सॉकेट के साथ कनेक्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये रहा हमारा सॉकेट। तो इसकी जो हमारी एक मेंस की, आप देख सकते हैं ये हमारी लाइन न्यूट्रल की कनेक्शन है, और ये हमारी अर्थिंग की है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम पहले रेजिस्टेंस लगा लेते हैं। तो रेजिस्टेंस मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे हम कौन सी ले रहे हैं। आप देख सकते हैं ये मेरे पास एक 100 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस है क्वार्टर वाट में। आप यहाँ पे 68 किलो ओम्स से लेके 150 किलो ओम्स के बीच की कोई भी रेजिस्टेंस ले सकते हो, और वाटेज में भी आप क्वार्टर वाट या हाफ वाट या 1 वाट आप कोई भी ले सकते हो। तो चलिए अब हम इसे कनेक्ट कर देते हैं। एक लेग को मैं यहाँ पर कट कर दूंगा, और यहाँ से हम रेजिस्टेंस कनेक्ट करके इस स्विच पर कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए हम कट कर लेते हैं इसे। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे इसे कट कर दिया है, और अब हम यहाँ पे सोल्डिंग कर देंगे। यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए, और यहाँ फ्रेंड्स यहाँ पे हम स्विच पे दो वायर्स कनेक्ट कर देंगे। तो
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं रेनबो वायर का यूज़ कर रहा हूँ, आप यहाँ पे कोई भी वायर का यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैं दो पीस ले लूँगा। तो फ्रेंड्स अब हम इसे कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पे मैं हीट सिंक स्लीव भी लगा दूँगा, आप यहाँ पर टेप भी लगा सकते हो। तो चलिए अब हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं। इस यहाँ पर वायर्स कनेक्ट करने से पहले मैं यहाँ पर हीट सिंक ट्यूब लगा दूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे इसके कनेक्शंस कर देते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने दोनों कनेक्शंस कर दिए वायर के। तो अब हम इस हीट सिंक ट्यूब को यहाँ पे लगा देंगे। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने स्लीव लगा दी है। तो अब हम इसे हीट करके इसे टाइट कर देंगे। तो चलिए अब हम इसे टाइट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर इसका यूज़ कर रहा हूँ। तो गाइज आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे हमने हीट सिंक ट्यूब को लगा दी है और ये बहुत ही अच्छी तरह से लग चुकी है। तो गाइज अब हम एलईडी पर भी एक वायर कनेक्ट कर देते हैं और उसके बाद हम उस पर भी स्लीव लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मैंने एक वायर कनेक्ट कर दिया एलईडी पर और इस पर भी मैंने स्लीव लगा दी है। तो चलिए अब हम इसके आगे के कनेक्शंस कर लेते हैं। तो अब हम अपने बैक पैनल को ले लेंगे और यहाँ पे भी हम इस वायर्स को डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे। तो एक वायर तो हमें फ्रेंड्स इसके सॉकेट पे डायरेक्ट कनेक्ट कर देना है और दूसरा वायर फ्रेंड्स हमारी इस SMPS पावर सप्लाई पे जाएगा जो कि मैंने आपको बताई थी। तो न्यूट्रल के वायर कनेक्ट करने हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहे हमारे लाइन और न्यूट्रल के वायर। तो एक वायर तो हमारा स्विच का डायरेक्टली इस पर आ जाएगा फ्रेंड्स और दूसरा वायर हमारा डायरेक्टली सॉकेट से आ जाएगा और जो हमारा LED का दूसरा वायर है वो भी हम डायरेक्टली यहाँ सॉकेट पर ही कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए अब हम इसके भी कनेक्शंस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो गाइज आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे हमारे कनेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने दो वायर कनेक्ट कर दिए थे सॉकेट पर और एक वायर हमने जो LED पे कनेक्ट करा था उसे भी हमने न्यूट्रल पे कनेक्ट कर दिया है और जो स्विच पे हमने एक ब्लू कलर का वायर कनेक्ट करा था ये हमने फेस में कनेक्ट कर दिया है जैक पर और यहाँ पे जो हमारा ग्रीन कलर का वायर है स्विच पर वो हमने डायरेक्ट अपनी SMPS के साथ कनेक्ट करा है और यहाँ से निगेटिव जो हमारा न्यूट्रल है वो भी हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। तो ये हमारे फेस न्यूट्रल के वायर हो गए फ्रेंड्स और यहाँ पे हमने फेस LED को डायरेक्टली यहाँ पे स्विच से दिया है और न्यूट्रल को हमने डायरेक्ट जैक से कनेक्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे मेंस के कनेक्शन कम्प्लीट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं ये जो हमारा SMPS है इसमें हमने दो वायर्स कनेक्ट कर दिए हैं आउटपुट में, जहाँ से हमें 14.5 वोल्ट आउट मिलेगी। तो आपने अगर इसकी मॉडिफिकेशन वीडियो नहीं देखी फ्रेंड कि कैसे 12 वोल्ट की SMPS को हम 14 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो इस वाले वायर्स को हम अपनी इस ऑटो कट सर्किट में कनेक्ट कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 14 वोल्ट DC है तो इसे हम यहाँ पर डायरेक्टली टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे और यहाँ से हम दो वायर जो प्लस और बी माइनस का जो हमारा टर्मिनल है यहाँ से हम दो वायर्स निकालेंगे फ्रेंड्स और वो वायर हमारे इस AV सॉकेट पर डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे। गाइज अब हम इसके कनेक्शंस कंप्लीट कर लेते हैं। तो गाइज आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सारे कनेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं, आप देख सकते हो। तो यहाँ से जो हमने 14.5 वोल्ट के कनेक्शंस निकाले थे अपने SMPS से उसे मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिए हैं और यहाँ से हमने दो वायर्स कनेक्ट करके बैटरी कनेक्शन के इस AV सॉकेट पर डायरेक्टली कनेक्ट कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे सारे कनेक्शंस कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पे मैंने LED के ऊपर ग्लू भी लगा दिया ताकि ये निकल ना जाए। तो फ्रेंड्स इसमें मैंने सेफ्टी का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सभी वायर्स के ऊपर अच्छे से हीट सिंक स्लीव भी लगाई है ताकि हमारे कोई भी कनेक्शंस लूज़ ना हो और वो प्रॉब्लम ना करें। हमने इसे कंप्लीट कर लिया है, मैंने इसे डबल टेप की मदद से फिक्स कर दिया है दोनों सर्किट को और इसे मैंने फ्रंट पैनल को भी चिपका दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फेविकोल और वुड की मदद से अच्छे से इसे चिपका दिया है। फ्रेंड्स इसे हम थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए रख देंगे, उसके बाद फिर मैं आपको इसकी टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। और जब फ्रेंड्स ये सूख जाएगा तो इसके बाद हम यहाँ पर चारों कॉर्नर्स में होल कर देंगे और यहाँ पर हम अपने टॉप कवर में भी होल करके इसे स्क्रू की मदद से फिक्स कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इसे मैं सूखने के लिए रख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसकी फाइनल टेस्टिंग करके दिखाऊँगा।
फाइनली हमारा बैटरी चार्जर कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इससे टॉप कवर को भी कंप्लीट कर दिया है और यहाँ पे हमने 4 स्क्रू की मदद से इसे टाइट भी कर दिया है। तो आप देख सकते हैं आपको इसका लुक कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे हमें 220 वोल्ट एसी का मेन लीड कनेक्ट कर देना है और आप देख सकते हैं ये हमारा पावर स्विच है और ये हमारी पावर इंडिकेटर, ये हमारी चार्जिंग की इंडिकेटर है और यहाँ से हमें बैटरी कनेक्शन के लिए आउटपुट मिल जाएगा। तो चलिए अब हम इसे पहले चालू करके देख लेते हैं फ्रेंड्स कि कैसा ये वर्क कर रहा है। तो इसके लिए मैं ले रहा हूँ फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप, ये लैपटॉप केबल कहते हैं इसे, आप देख सकते हैं। तो इसे ही हम इसमें लगाएंगे फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसी का मैंने यहाँ पे सॉकेट यूज़ करा है जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये सॉकेट इसी में लगता है, तो इसे हम यहाँ पे लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं मैं इसे लगा रहा हूँ। तो गाइज इसे मैंने कनेक्ट कर दिया है, अब हम इसे 220 वोल्ट एसी में कनेक्ट कर देंगे। तो गाइज हमने इसे कनेक्ट कर दिया है, तो चलिए अब हम इसे पावर ऑन करके देखते हैं फ्रेंड्स कि ये ऑन हो रहा है या नहीं। नहीं, तो आप देख सकते हैं ये रहा हमारा पावर स्विच, तो मैं इसे ऑन कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं ये हमारी मेंस वाली एलईडी है और ये हमारी बैटरी चार्जर की है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम बैटरी कनेक्ट करके चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बैटरी को सेंस कर रहा है फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे बैटरी नहीं कनेक्ट होगी फ्रेंड्स तो ये ग्रीन कलर की एलईडी ऑन हो जाएगी और जब भी हम यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे हमारी रेड इंडिकेटर ऑन हो जाएगी। तो चलिए हम यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करके चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स बैटरी कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे मैं इस केबल का यूज़ कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने मेल आरसीए पिन और एलिगेटर क्लिप से एक केबल बना ली है, तो इस तरह से आपको भी बना लेना है। और यहाँ पे प्लस में हम रेड लगा देंगे और माइनस में हम ब्लैक लगा देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इस एलिगेटर क्लिप्स को अपनी बैटरी में कनेक्ट कर देंगे। फ्रेंड्स बैटरी कनेक्ट करने से पहले हम यहाँ पे इसे ऑफ कर देंगे, आप देख सकते हो। तो चलिए अब हम अपनी बैटरी में इसे कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये रही मेरी 12 वोल्ट की बैटरी, आप देख सकते हैं ये 12 वोल्ट 1.3 AH की बैटरी है। तो चलिए अब हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं। तो गाइस अब हम ब्लैक वाले को अपने माइनस में कनेक्ट कर देंगे और रेड वाले को प्लस में। तो यहाँ पे हमने बैटरी कनेक्ट कर दी है, अब हम इसे ऑन कर लेंगे। तो ऑन करने के लिए हम फिर से अपने इस स्विच को ऑन कर देंगे। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं अब यहाँ पे हमारी रेड इंडिकेटर ऑन हो चुकी है और हमारी बैटरी चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स जब ये हमारी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी तो ये हमारी रेड इंडिकेटर ग्रीन हो जाएगी और हमारी बैटरी को कट ऑफ कर देगी चार्जिंग से। इसका मतलब फ्रेंड्स हमारी जो बैटरी है वो ओवर चार्जिंग से ख़राब नहीं होगी और हमारी बैटरी की लाइफ भी बनी रहेगी। तो इस प्रकार से आप बैटरी चार्जर को घर पे बना सकते हैं इजीली। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए नीचे दिख रहे लाल कलर के बटन को दबाकर, और बेल के आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप मेरी नई वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। फ्रेंड्स ये बिल्कुल फ्री है, आपको इसके लिए कोई भी पैसा पे नहीं करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो आप फ्री में चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, फिर मिलेंगे एक ऐसी ही न्यू टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड डे फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।